our next टॉपिक डिफरेंशिएशन का, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर का नाम है। और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में नेक्स्ट है आपका पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन या इसको आप डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन भी बोलेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन और पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन दोनों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पर थ्योरी में हमने ये कंसिडर कर लिया कि लेट अवर वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, सॉरी फंक्शन ऑफ टी, एंड एक्स इज अनदर फंक्शन ऑफ टी। दोनों टी के फंक्शन है, यहाँ पे टी पैरामीटर है। वाई एंड एक्स बोथ आर द फंक्शन ऑफ टी, एंड if you have to differentiate y with respect to x, मतलब अब आपको dy by dx कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेशन के लिए पहले y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन फिर x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, dy by dt upon dx by dt। dy by dt को अपन f dash t भी लिख सकते हैं और dx by dt हो जाएगा आपका g dash t। तो दोनों फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके उनका रेशियो ले लीजिए, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ dy by dx। इसको बोलेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। मतलब जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y और इनडिपेंडेंट वेरिएबल x बोथ आर द फंक्शन ऑफ t, दोनों टी के फंक्शन होंगे, तो वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए दोनों फंक्शन को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और उनका रेशियो ले लीजिए, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन पढ़ा है, पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन आप लिखते हो, इफ वाई बराबर 280 एंड एक्स बराबर 80 स्क्वायर। यदि आप यहाँ से t एलिमिनेट करेंगे तो ये y स्क्वायर बराबर 4ax, ये पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन, y इक्वल्स टू 280, x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर। देन dy by dx आपको कैलकुलेट करना है, तो टू कैलकुलेट dy by dx दोनों फंक्शन को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, dy by dt upon dx by dt। y का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2a आएगा और x का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 280 आएगा, दोनों का रेशियो निकालोगे तो 1/2। सो दिस इज dy by dx। और अब आप चाहो तो यहां से t एलिमिनेट करके y के टर्म्स में या x के टर्म्स में भी आंसर लिख सकते हो इसका, तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ dy by dx 1 अपॉन t। यह है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन फंक्शन का। बहुत सारे फंक्शन आपने लगभग हर
सर्कल का आपने पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखा है, पैराबोला का लिखा, इलिप्स का लिखा, हाइपरबोला का, सारे आप पैरामेट्रिक इक्वेशन पढ़ चुके हो। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का मतलब ही ये है कि फंक्शन आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में देंगे और पैरामेट्रिक फॉर्म में फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए ये थ्योरी का हम यूज करें। जिस पैरामीटर के दोनों वेरिएबल फंक्शन है उसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में उनको डिफरेंशिएट कर दीजिए और आपका डिफरेंशिएशन उनका रेशियो ले लीजिए। ये बात में आपको कोई डाउट है तो पूछिए, कोई भी क्वेश्चन मन में आ रहा हो सवाल तो दो तीन क्वेश्चन में अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इस पर बेस। पहले आप वो समझिएगा, बाद में अपन उस पर बेस के क्वेश्चन आपको देंगे होमवर्क में। सर बोलिए। अगर हमने टी का वैल्यू फाइंड करके उसको उसमें फिर इक्वेशन बनाए तो उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका आंसर आएगा ना, तभी भी सेम ही आएगा, सेम आएगा, दोनों से आंसर में कोई फर्क नहीं आता, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आता है सर। पर वो तो एक्स वाई के टर्म में आएगा ना, अगर अपने टी को एलिमिनेट किए तो आप यहाँ भी टी को एलिमिनेट कर सकते हो ना, यहाँ भी टी को एलिमिनेट करोगे तो वो भी एक्स वाई के टर्म्स में आपको आंसर दे देगा। दोनों को आप जब डिवाइड कर दो, ठीक है, ए टी स्क्वायर को 280 से डिवाइड कर दें तो आपको ये टी की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब वहां से टी का वैल्यू निकालोगे तो एक्स वाई के टर्म्स में आ जाएगा, ठीक। और यदि आप गिवन इक्वेशन को ही वहां से पैरामीटर एलिमिनेट कर दें, गिवन इक्वेशन से ही पैरामीटर को एलिमिनेट करोगे तो भी आपको पैराबोला की इक्वेशन डिफरेंशिएशन का वैल्यू बिल्कुल सेम आएगा। मतलब कहने का जो मेरा मीनिंग है वो ये है कि ये जो पैराबोला आपको दिया था वाई बराबर 80 स्क्वायर, सॉरी वाई बराबर 280 और एक्स बराबर 80 स्क्वायर, यदि यहाँ से आप पैरामीटर को एलिमिनेट करते हो, टी को एलिमिनेट करते हो तो क्या बनेगा, ये पैराबोला की इक्वेशन देता है। मतलब आप इसको जरा समझें, फिर से मैंने यहाँ पर y बराबर 280 ले लिया और x बराबर 80 स्क्वायर लिया, यहाँ से पैरामीटर को एलिमिनेट करिए तो t को मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू हमारी y अपॉन 2a आ गई, देयरफॉर ये टी का वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं तो एक्स बराबर ए इंटू टी स्क्वायर करोगे तो ये वाई स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर आ जाएगा। एक एक कैंसिल कर दीजिए एंड आफ्टर कैंसिलेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए, टी एलिमिनेट करने के बाद वी गेट दिस पैराबोला। तो ये राइट हैंडेड पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन था, ये टी पॉइंट ऑफ द पैराबोला आपको दिया था एंड नाउ व्हेन वी कैलकुलेट इट्स डी वाई बाय डी एक्स, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव 2y dy by dx आएगा और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 4a आएगा। सो देयरफॉर दिस गिव्स dy by dx इक्वल्स टू, उसे कैंसिल कर दीजिए, एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 2a अपॉन y आ जाएगा, ठीक। और दिस 2a अपॉन y कैन आल्सो बी रिटन, आप देखो जो कन्वर्जन आपने किया था ये वाला, इसको उल्टा कर दोगे 2a अपॉन y कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले पैरामीटर एलिमिनेट कर दें, बाद में डिफरेंशिएट कर दें, उसके बाद आंसर पैरामीटर के टर्म्स में कर दें, या फिर डायरेक्टली आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आंसर 1 बाई टी ला सकते, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप किसी भी तरीके से डिफरेंशिएट करें, अब ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे कि आपको जो आंसर दे रखे हैं वो इन टर्म्स ऑफ टी दे रखे हैं कि इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल दे रखे हैं, मतलब आंसर आपका एक्स और वाई के टर्म्स में भी दे सकते हैं, आंसर में पैरामीटर के टर्म्स में भी दे सकता हूँ,
जैसा कि आपने देखा इस क्वेश्चन का आंसर 1/t आ रहा है पैरामीटर के टर्म्स में, और ऑल्सो इस क्वेश्चन का आंसर 2a/y आ रहा है y के टर्म्स में। तो आंसर या ऑप्शन आपको x, y और t कुछ के टर्म्स में दे सकते, तो दोनों तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी करके ले जाएं आप सही जगह पहुंच जाओ। समझ गया योजित? क्लियर हुआ क्या तुम्हारा? ओके सर। सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ले लेते हैं अपन पे कुत्ते केला को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पर बेस्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्स इक्वल्स टू, आप चाहो तो मेरे पहले पहले ट्राई कर सकते हो e पावर माइनस t स्क्वायर, जिनको समझ गया वो पहले ट्राई कर लें। tan इनवर्स 2t+1, तो आपको बताना है dy by dx कितना होगा, then you have to find the value of dy by dx। तो सॉल्यूशन आप देखिए, आप जानते हो dy by dx, पहले y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब ये अपन ने पहले तो अपना फॉर्मूला लगा दिया dy/dt/dx/t, दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके रेशियो ले लीजिए। अब जब y का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1+t² आता है। This is derivative of tan inverse. और अब क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, tan inverse का derivative होने के बाद 2t+1 को differentiate करेंगे, तो into 2 और आएगा। Now denominator में e power x का derivative e power x होता है, और into minus t square का derivative minus 2t आएगा। ना थोड़ा सा further मैं numerator को simplify कर रहा हूँ। तो जो न्यूमरेटर आपका लिखा है 2/1+ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा 4t² + 4t+1, और इनटू डिनोमिनेटर जो कि मैंने डिवाइड किया है उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ये है 1/-2t(e−t²). और अब आप देखिए फाइनली डिनोमिनेटर में यहां पर ये पोजीशन जो आप देख रहे हो 1+1 2 हो जाएगा, तो 2+4t² + 4t में 2 कॉमन लेके ऊपर नीचे कैंसिल कर दीजिए, तो ये बन जाता है 1/2t² + 2t+1, 2 से मैंने ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया, और डिवाइडेड बाय ये e^t² में पॉजिटिव करके ऊपर लेके आ गया, और ये माइनस का 2t। सो द फाइनल आंसर इज, इसके आगे ये सिंपलीफाई नहीं होता तो अपन ने ऐसे ही मेंशन करना पड़ेगा, तो ये e^t², ये माइनस साइन सबसे सामने दे दिया, और ये 2t ((2t²)+2t+1) आपका आंसर। तो देख लीजिए कोई डाउट है तो पूछ लें, ठीक है? करेक्ट है ये आंसर, नोट कर लीजिए, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये पहला मैंने आपको करके बताया, ठीक है? क्वेश्चन विद सॉल्यूशन दोनों है, कहीं भी डाउट है तो पूछेगा। -et²(2) संकेत तो कर चेक करो, देखो कहाँ गड़बड़ हुआ, 2t² सही है, 2t सही है,
बाद में इक्वल का साइन लगा नीचे और नीचे टी मिसिंग है। संकेत तुक्का आवाज आ रहा है? संकेत आवाज आ रही है? आवाज आ रहा संकेत? यस सर। देखो कहां पर आपका नहीं सर बरोबर लिया था, वो लिखते समय कंप्यूटर में टी नहीं लिखा। ओके 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 ठीक। स्क्रीन दिख रहा है क्या? तो स्क्रीन शेयर ऑफ है। तो अभी आया और yes, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन नंबर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्स इक्वल्स टू ए थीटा माइनस साइन थीटा and y equals to a 1 minus cos theta, then dy by dx कितना होगा? ये आपको पूछा, ठीक है? आप लोग try करें, साथ साथ मैं parallelly solve करता हूँ, जिसका answer आ जाए वो mention कर दें, और बाकी लोग देखिए try समझिए how to solve this question. Again, both the variables x and y are the function of theta, मतलब parametric function है. So again we apply, बस यहाँ पर parameter अब change हो गया. यहाँ पर दोनों variable जो हैं वो theta के function है. So dy by d theta upon dx by d theta, ये theory हम apply करेंगे. जब आप y को theta के respect में differentiate करोगे, तो a sin theta आएगा. जब भी आप x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा है। ये a बोथ साइड आप कैंसिल कर सकते हो और उसके बाद एक आंसर आया किसी का, संकेत तुक्कर। संकेत चेक करो, गलत जवाब है ये, ठीक। सो हियर वी गेट sin theta upon 1 minus cos theta, yeah, it can be written sin theta को अपन 2 sin theta by 2 cos theta by 2 लिख सकते हैं, and denominator में 1 minus cos theta, it is 2 sin square theta by 2. So after cancellation, the final answer is cot theta by 2. तो cot theta by 2 is the correct answer, ठीक है? संकेत cos theta upon sin theta, cot theta नहीं आएगा, ये इतना आता है, cot theta by 2 आएगा, ठीक है? तो जल्दबाजी में गलत ना करें। ये second question था, देख लीजिए, कोई doubt है, किसी भी तरीके की problem है तो पूछिए उसको। ये है parametric differentiation, धीरे-धीरे मैं question का आपको level बढ़ा के दे रहा हूँ, ठीक है? अपन अच्छे question पे आ रहे हैं। तीसरा आप ट्राई करिए, आई होप बिल्कुल ऐसा ही है, आप कभी बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सभी लोग ट्राई करें। इफ एक्स इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा एंड वाई इक्वल्स टू 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, बिल्कुल सेम दे रखे हैं दोनों, तो यू हैव टू प्रूव दैट डी वाई वाई डी एक्स इक्वल्स टू, प्रूव दैट में अपने को आंसर पता होता है, बस किसी भी तरीके से एडजस्टमेंट करके यहां तक पहुंचना। तो ट्राई करिए टेन 3 थीटा बाई 2, ठीक है? क्वेश्चन को आप ट्राई करें, इसको सॉल्व करने के लिए यू हैव 3 मिनट्स ओनली एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन पढ़ने में समझने में कहीं डाउट है तो उसको पूछ लीजिएगा। ट्राई करें सभी लोग। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री बिल्कुल सेम अप्रोच है dy by dx कैलकुलेट करने के लिए। हियर वी डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड ऑल्सो x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उनका रेशियो लेंगे। जब y का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 sin थीटा का डेरिवेटिव 2 cos थीटा, और sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन पहले sin का करोगे तो cos 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का करेंगे तो 2y डिवाइडेड बाय। सिमिलरली dx by d थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin होता है तो ये माइनस 2 sin थीटा आ जाएगा और ये प्लस का 2 sin 2 थीटा होगा। उसके बाद 2 कैंसिल कर दीजिए कॉमन लेके, तो थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। cos थीटा माइनस cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। और अब थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई इसको करेंगे, cd फॉर्मूला लगाएंगे तो cos c माइनस cos d इट इज 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2 और नीचे cos सॉरी sin c minus sin d, तो ये होता है 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। तो उसके बाद ये sin वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली जो बचा वो अपना फाइनल आंसर है। यही अपन ने प्रूव करना था, sin by cos को tan लिख सकते हैं, तो इट इज tan 3 थीटा बाय 2। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। तूफान ठाकरे इतना भी नहीं आया तुम्हारा? सर बस आ ही गया था, सीडी फॉर्म में लगा ही रहे थे सर। ओके, दिलवी गुप्ता? यस सर। इतना भी नहीं आया क्या? नहीं सर, अलग ही था लगा मैंने। चलो, और अलग से आ गया था आंसर, अलग जो कर रही थी? नहीं सर, भी नहीं आया। समीर कामले? यस सर। नहीं आया? आ गया था, नहीं आ गया था। तो फिर लिखा क्यों नहीं है? यस लिखा था ना। लिखा था सर? हाँ। ओके, चौधरी कल्पेश कुठे गेले? चौधरी कल्पेश? यस सर। इतना भी नहीं आ रहा क्या? सर आ गया था, वो सीडी फॉर्मूला बराबर याद नहीं आ रहा था। ठीक है, रिवीजन देख लो भैया, आप लोग रिवीजन करो, ये तो बहुत वाट लगने वाली है। ठीक है, चलो माइक नोट करो, माइक नोट करो, अल्पेश माइक नोट करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप देखिए थोड़ा सा मैं अब उसका स्तर बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, इफ ध्यान से देखिएगा, एक्स इक्वल्स टू ए t plus sin t and y equals to a 1 minus cos t, then you have to find d2y by dx square. Matlab here you have to find the second order derivative d2y by dx, ये आपने फाइंड करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बिल्कुल ऐसे ही एक क्वेश्चन अपन ने ऊपर किया है, बट वहां पर अपन ने डी वाई बाय डी एक्स फाइंड किया था, ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव। हियर बी फाइंड दी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सेकेंड ऑर्डर का जो मीनिंग होता है वो नोट में आप यहां पर समझ लें। जब आप किसी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, d2y by dx square का मतलब है जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है dy by dx, उस फर्स्ट डेरिवेटिव को एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें।
मतलब दो दो बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनेगा. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ d2 / dx स्क्वायर. लेकिन बात इतना जो आपको इजी दिख रहा है थोड़ा सा मुश्किल है, वो आप समझिएगा ध्यान से कि व्हेन वी हैव टू फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो पहली बात तो यह है कि फर्स्ट ऑर्डर तो निकालना ही पड़ेगा आपको. तो सॉल्यूशन में हियर वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dy/dx जो कि dy/dt होगा, क्योंकि यहाँ पे t के फंक्शन है. तो एक y को भी t के रिस्पेक्ट में और x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए. dy/dt का जो वैल्यू है वो आएगा a sin t. ये डेरिवेटिव में भी यदि किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए कैसे आया. और dx/dt 1+cos t आता. नाउ a को कैंसिल कर दीजिए, सो हियर वी गेट sin t अपॉन 1+cos t. बिल्कुल सेम, ये पूरी कैलकुलेशन अपन अभी ऊपर करके आए एक क्वेश्चन में. प्रीवी गुप्ता ने भी आंसर किया, योजित ने भी आंसर किया और आई होप आप दोनों जो हो चेक करिए अपने आंसर. सचेत शेंडे चेक करो, सिल्वी गुप्ता चेक करिए, योजित चेक करिए. सारे लोग गलत एक साथ कैसे हो सकते हैं भाई. बड़े आराम से करो भाई, देख लो पहले क्वेश्चन. ठीक है, वो मैंने बोला जैसा दिखता वैसा है नहीं, पहले ध्यान से आप समझ लो. तो ये अपन ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, थोड़ा सा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ. तो dy/dx आपके पास sin t upon 1+cos t आ गया. sin t को upon 2 sin t/2 cos t/2 लिख देंगे. जितना सिंप्लीफाई हो सके पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए. एंड होल डिवाइडेड बाय 1+cos t 2 cos2t/2. एंड आफ्टर कैंसिलेशन एक 2 कट जाएगा, 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता और एक cos कैंसिल हो जाएगा. सो आफ्टर कैंसिलेशन ये आता है tan t/2. ठीक है, ये अपन ने ऊपर भी निकाला था जब क्वेश्चन अपन को थीटा के टर्म्स में दिया था, वहां पर tan θ/2 आया. ठीक, सो बट दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड वी हैव टू फाइंड इट्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो नाउ अब अपन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं. तो चूंकि dy/dx आपने निकाला है tan t/2 और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है एक बार और आपने बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. तो यहां पर हियर वी डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. अब ये स्टार्टिंग में अपन ने सीखा है, पहली बात को लेफ्ट हैंड साइड अपना d2y/dx² बन जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ये अपन को कैलकुलेट करना है और ये मैंने आपको सबसे शुरुआती बताया था अपन को करना है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और अंदर फंक्शन t का दे रखा है. यहाँ जो आप देख रहे हो यहाँ वेरिएबल जो है वो t है, t वेरिएबल है और आप जब डेरिवेटिव कर रहे हो वो x के रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हो. तो इसलिए जब आप इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो आप इसको ऐसे लिख लिया करो, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा. टी वाला फंक्शन केवल टी के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हो सकता है. तो पहले मैं tan t/2 को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, बाद में मैं टी को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा. चेन रूल लग गया यहाँ पर, फंक्शन का फंक्शन है तो फर्स्ट वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी एंड देन वी डिफरेंशिएट टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. dt/dx और इनटू होगा यहाँ पर, ये बात जो है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ये बात आपने यहाँ पर बहुत समझनी जरूरी है. ये आपको क्लियर हो गया फिर आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं. बस अब मूव करते हैं अपन आगे. तो tan t/2 का डेरिवेटिव आप सभी लोग जानते हैं sec²t/2 × 1/2 हो जाएगा. तो दिस इज 1/2 sec²t/2, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ tan t/2 और इनटू
dt by dx is the reciprocal of आप dt by dx को 1 upon dx by dt ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ऑलरेडी अपन न्यूमरेटर में dx by dt कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। ये देखिए dx by dt का वैल्यू जो है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, dx by dt का वैल्यू आपने निकाला है a into 1 plus cos t, ठीक है। तो मैं ये यूज कर लूंगा a into 1 plus cos t, चलिए तो यूज कर लीजिए a into 1 plus cos t। तो फाइनली आप देखोगे आप इसका तो आप और कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, और dx by dt का वैल्यू a into 1 plus cos t। तो एक लास्ट स्टेप में यहाँ पर लिख रहा हूं, उसके बाद अपन आंसर पर पहुंच जाएंगे। 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर t by 2 as such है, into 1 अपॉन 1 प्लस cos t को अपन लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर t by 2 cos square t by 2 और फाइनली वी गेट अवर आंसर। तो देखिए ये है आपका आंसर 1 अपॉन 4a sec पावर 4 t by 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ये इसका आंसर है 1 अपॉन, हाँ बोलिए। जैसे dy by dt निकाल के और dx by dt निकाल के फिर dy by dx निकाले थे, वैसे d square y by dt वैसा नहीं है नियम, ठीक है। डबल डेरिवेटिव चूंकि आप वहां पर t के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, और फिर आपने जो है फंक्शन को एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब है क्योंकि आपने जो dy by dx बनाया वो तो इन टर्म्स ऑफ t बना, अब जब आप t वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से वही करना पड़ेगा, पहले t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये कहीं कोई नियम नहीं है, ठीक है, जो यहाँ पर चलता है ऐसा कोई नियम नहीं है। dy by dx यदि आप dy by dt upon dx by dt लिखते हो, ठीक है, तो जब आप इस पे एक बार और डेरिवेटिव अप्लाई करोगे मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सीधा उठ के इस पर अप्लाई होगा, ऐसा लगता है ये होगा वो, और इसका जो मीनिंग है वो ये है आप इसको यू नहीं लिख सकते कि डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर अपॉन डी टू वाई बाय डी एक्स डी टी, मतलब दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, ठीक है, तो ये लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो और ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वैसे भी आपने पढ़ा है फिर तो इस केस में डिवीजन रूल लगेगा क्योंकि ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, ठीक है, समझ गया सिल्पी गुप्ता? यस सर। तो ये कोई नियम नहीं है कि डबल डेरिवेटिव में दो दो बार डिफरेंशिएट करके रेशियो निकालेंगे, जो करने का तरीका है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया और आप ऐसे ही करिएगा आगे क्वेश्चन को, ठीक है, तो ये नियम में नहीं आता, ये है फाइनल आंसर। और किसी की कोई क्वेरी डाउट है तो पूछ लीजिए। सर सेक्स स्क्वायर के पहले 1 बाय 2 कैसे? t बाय 2 है ना, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो? t के रिस्पेक्ट में, हाँ, तो फंक्शन आपका क्या है? tan t बाय 2 है, tan t बाय 2 tan ऐसा लिखा है और इसको आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो पहले क्या होगा, पहले tan का डेरिवेटिव होगा, तो tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक, और उसके बाद फिर 1 by 2 t का होगा तो कितना आएगा 1 by, समझ गया, चेन रूल लगा हुआ। बट सर एक एंगल है ना t by 2, हाँ, तो बट सर एक एंगल होगा ना, एंगल तो कांस्टेंट रहेगा ना, ये बताओ,
इसका डेरिवेटिव कितना होगा? इसका कितना आएगा डेरिवेटिव सुशांत ठाकरे? सेक्स स्क्वायर एक्स सेक्स स्क्वायर हेलो सेक्स सेक्स स्क्वायर वन बाय टू एक्स इनटू मतलब पहले वन बाय टू आएगा आएगा ना कंपोजिट फंक्शन है तो यहाँ पे कंपोजिट है वहाँ पे नहीं है कंपोजिट सेम ही तो बात है भाई यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो यहाँ एक्स दिया है अब मैं एक्स की जगह पर टी टी लिख दिया कोई फर्क थोड़ी होगी टी की जगह वाई वाई लिख दो तो भी ऐसा ही होगा हर जगह ऐसा ही होगा मतलब तुम्हारे हिसाब से टी बाई टू एंगल है एक्स बाई टू एंगल नहीं है टेन जिस पे अप्लाई होगा तो एंगल पे ही अप्लाई होगा ना तो टेन के लिए तो एक्स बाई टू भी एंगल का काम करेगा और टी बाई टू भी एंगल का काम करेगा भाई एंगल तो जरूरी थोड़ी है थीटा ही से डिनोट करें एंगल को फाई से भी तो डिनोट करता समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ हाँ सर समझ गए ओके और कोई डाउट किसी को चलिए वेरी गुड डाउट नहीं आता हमको ये बड़ी खासियत है डाउट भी नहीं आता और आंसर भी नहीं आता ये सबसे बड़ी खासियत इस बैच की रही है एक और क्वेश्चन लिखते हैं हेलो सर हेलो सर बोलिए सर सर वो d by d x जो दिया था tan t by 2 वो t by 2 को x सपोज करके जो डिफरेंशिएट कर सकते क्या बाद में जब x सपोज करोगे तो बाद में वो x हटाना तो पड़ेगा आप क्वेश्चन में अपनी मर्जी से कोई सपोजिशन करते हो तो फाइनल आंसर तक वो सपोजिशन नहीं पहुंचनी चाहिए क्योंकि आपने उसको x मान लिया किसी ने उसको y मान लिया तो आपका आंसर x में आएगा उसका आंसर y में आएगा तो करेक्ट कैसे हो जाएगा तो ये बात आपको पहले भी बताई है कि जब भी कोई सपोजिशन आप अपने मन से करते हो किसी भी क्वेश्चन में आगे बढ़ते वक्त तो वो सपोजिशन फाइनल आंसर लिखते वक्त हटा देनी चाहिए सारी तो जब आप फाइनल आंसर लिखते वक्त उसको हटाओगे तो अपने आप फाइनल आंसर आपका यही मिलेगा मतलब आप किसी भी अप्रोच से जाओगे आपका आंसर 1/4a sec^4t/2 लिखा है होना चाहिए इतना लिखेंगे बस इसको लिखने का तरीका अलग हो सकता है भाई मैंने sec के टर्म्स में लिखा है कोई इसको cos के टर्म्स में लिख सकता है ठीक है लेकिन पहुंचेगा तो यही पहुंचेगा ठीक है क्लियर हो गया ओके नाउ एक और क्वेश्चन देखिए अभी क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन y बराबर एफ एक्स डिफाइंड पैरामेट्रिकली एज x बराबर e पावर t साइन t y बराबर e पावर t cos t इस तरीके से ये फंक्शन आपको डिफाइन करके दिया है सेटिस्फाई द रिलेशन रिलेशन आप देखें y डबल डैश यहां पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है x प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स वाई डैश माइनस वाई यह क्वेश्चन एक फंक्शन आपको दिया है जो पैरामेट्रिकली आपको डिफाइन करके दिया है और आपको ये शो करना है कि ये फंक्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है यहाँ पर y डबल डैश का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर और y डैश का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई वाई डी एक्स करिए ट्राई क्वेश्चन नंबर 5 है ये और अगले 2 मिनट में मैं इसको आपको सॉल्व करता हूँ कोई क्वेरी है क्वेश्चन को लेके यदि नहीं समझा हो तो पूछ लीजिए
अदरवाइज ट्राई करें आप इसको। पिछला क्वेश्चन हमने जैसे सॉल्व किया बिल्कुल सेम अप्रोच से सॉल्व करें, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए और फिर उसी को डिफरेंशिएट करिए। तो टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सबसे पहले वी कैलकुलेट वाई डैश मतलब डी वाई वाई डी एक्स, और आप जानते हो ये होता है डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। नाउ जब भी आप y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा cos t माइनस साइन। प्रोडक्ट रूल लगेगा, e पावर t एक फंक्शन है, cos t दूसरा फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये रूल लगाएंगे तो डी वाई बाई डी टी आपको ऐसा मिलेगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में डी एक्स बाई डी टी आपको मिलेगा ई पावर टी साइन टी प्लस कॉस। अब इसके बाद का स्टेप इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान से आप देख लो, मैं आपकी कैलकुलेशन के कुछ स्टेप बता रहा हूँ बचा रहा हूँ। सो नाउ हियर वी गेट, ध्यान से देखिएगा, वाई डैश बराबर मेरे को मिल गया कॉस टी माइनस साइन टी डिवाइडेड बाय, इसको मैं कॉस टी प्लस साइन टी लिख लेता हूं, बिल्कुल सिमेट्री में मिला लेता हूं। तो क्या अपन इसको वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स लिख सकते हैं, इसको यू लिख लिया। ये स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां से मैं पैरामीटर पूरे तरीके से निकाल दिया, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप यहां से पैरामीटर टी मैंने ऊपर वाले इक्वेशन की हेल्प से जो मेरे को दिया था रिलेशन एक्स और वाई टी के टर्म्स में, उसकी हेल्प से मैंने टी एलिमिनेट ही कर दिया। तो यहां पर अब अपना सीधा सीधा आप देखो, अब क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं बचती। एक बार ये स्टेप फॉलो करने के बाद वाई डैश अपन को मिल गया पूरा इन टर्म्स ऑफ एक्स, वाई माइनस एक्स अपॉन y plus x, और अब अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश हो जाएगा, और यहां लगेगा डिवीजन रूल, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, y का डेरिवेटिव y डैश, x का डेरिवेटिव 1, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। और उसके बाद माइनस न्यूमरेटर वाई माइनस एक्स मान लगा दो, न्यूमरेटर वाई माइनस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव वाई डैश प्लस वन और अपॉन आता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये है अपना कोशियंट रूल या जिसको अपन डिवीजन रूल भी बोलते, तो वो लगाने के बाद ये, तो आप देख रहे हो क्वेश्चन में जो y प्लस एक्स का स्क्वायर था वो इस तरीके से है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर आपको मिल गया y डबल डैश x प्लस y का स्क्वायर, और जब आप यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये y y डैश माइनस y, फिर एक्स वाई डैश माइनस एक्स, फिर माइनस वाई वाई डैश माइनस वाई, और फिर एक्स वाई डैश प्लस एक्स। तो ये वाई वाई डैश कैंसिल हो जाता है और कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स कैंसिल, और जो बचा है वो आपका फाइनल आंसर, ये कैंसिल हो जाएंगे। एंड इसके बाद आफ्टर कैंसिलेशन तो आप देखें राइट हैंड साइड में एक्स वाई डैश टू एक्स वाई डैश हो गया, और माइनस वाई हो गया,
टू कॉमन ले लीजिए तो ये आ गया एक्स वाई डैश माइनस, ठीक है, यही अपन ने प्रूव करना था। तो दिस इम्प्लाइज वाई डबल डैश, एक पकड़ के अपन ने कहीं पर ये आंसर है, ये है दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। तो देख लीजिए कोई डाउट है पूछ लीजिए, ये रिजल्ट था अपना ट्वाइस ऑफ एक्स वाई डैश माइनस वाई, ट्वाइस ऑफ एक्स। सर समझा नहीं कि cos t को y क्यों माने और sin t को x क्यों माने। क्वेश्चन में क्या दिया था, y कितना दिया है क्वेश्चन में देखो, दिख रहा है y दिया ना क्वेश्चन में, yes, sir. e पावर t cos t दिया, हाँ सर, और x कितना दिया, e पावर t sin t, हाँ, तो नहीं लिख सकते y माइनस x, लिख सकते सर, पक्का समझ गया, हाँ सर, हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात। और किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, इम्पोर्टेंट सम था ये, क्वेश्चन नंबर 5, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव पर है। तो इस तरीके से भी यदि आपका फंक्शन की हेल्प से टी हट रहा है किसी स्टेज पे जाके, तो आप वो टी को एलिमिनेट कर दो तो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते वक्त कोई तकलीफ नहीं होगी, बड़े इजीली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है। यदि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप टोटली इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई कन्वर्ट कर लो, जैसे अपन ने आज शुरुआत में देखा था कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन जब अपन ने पैराबोला क्या किया था, तो वहां पर डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू 1/t आया था। अब वो 1/t को अपन वेरिएबल्स के टर्म्स में लिखे, तो वहां से मैंने टी एलिमिनेट करके 1/t की वैल्यू आपको 2a/y बता दी, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सबसे पहली स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, जो आज सबसे पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देख रहे हैं, ये देखो ये dy/dx 1/t निकला था। अब मैं यहाँ पर ये 1/t का वैल्यू, ये जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है ये वाली बात, यहाँ पे मैं 1/t का वैल्यू कितना लिख सकता हूँ, 2a/y। तो मैं यदि यहीं पर इसको 2a/y लिख दूं, और अब मेरे को यदि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़े, तो फिर मेरे को वो फॉलो नहीं करना पड़ेगा रूल कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के लिए पहले मैं टी को टी के रिस्पेक्ट में करूंगा, बाद में टी को एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा, ठीक है। सो यदि आप 2a/y डायरेक्ट बना देते हो तो फिर कैलकुलेशन वही खत्म हो जाता है। तो यदि किसी स्टेज पे आकर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप वेरिएबल के टर्म्स में कन्वर्ट कर पा रहे हो एक्स और वाई के टर्म्स में, तो जो अगला डेरिवेटिव आपको निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सजेस्ट करते हैं कि किसी भी स्टेज पर आप उसको पहले एक्स वाई में कन्वर्ट कर लो और फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो, तो उससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन में, और कोई डाउट है आपको तो पूछिए, एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 5, लोकर फांगा जरा, चलिए वेरी गुड। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको स्क्रॉल करता हूँ, तो यह पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, उस पर बेस्ड पहला क्वेश्चन, दोनों को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके रेशियो निकाल दीजिए, और बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके अपन फाइनल आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का बचा हुआ रिमेनिंग सॉल्यूशन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। ये थर्ड का सॉल्यूशन है विद फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ से हमने
मतलब तीन क्वेश्चन मैंने आपको dy by dx पे बनाए और दो क्वेश्चन जो है वो अपन ने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे बनाए। तो सारों का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का बेस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर पांच और फोर्थ का आंसर। क्वेश्चन नंबर पांच में ये जो डॉट वाला पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, एक्स और वाई में कन्वर्ट करना है और ये लास्ट कुछ स्टेप इसके, तो इतना पे खत्म कर देते हैं। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन एक बार ले लो, ये है इसका फाइनल आंसर। बोलो कल्पेश चौधरी। सर आपको लिमिट का एक क्वेश्चन सेट किया था। ओके ठीक, चलिए तो बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय। सर आज का होमवर्क, शुभ रात्रि। होमवर्क भी चाहिए, करते तो हो नहीं तुम लोग सबमिट? सर डालता हूं ग्रुप में करके। अरे दो तीन करते हैं ना भाई, बाकी लोग पता नहीं क्यों नहीं करते। देना है होमवर्क सर इसके? हाँ सर। हैं ये जो लास्ट वाला करा है वैसे एक टाइप का तो वो करते नहीं, इसलिए मैं देता नहीं, कोई मतलब नहीं है आपको। स्पॉट मेरे को लगता है कि यही क्लास आपके लिए बड़ी भारी हो जाती है, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हम तो जबरदस्ती कर रहे हैं तुम लोगों के साथ, तो इसलिए ऐसा मन नहीं होता कि क्वेश्चन करोगे तो आपको क्वेश्चन देंगे। इतना बच्चा है उसमें से 10 बच्चा भी नहीं करता है, मुश्किल से 3 या 4 बच्चे सबमिट करते हैं, बाकी के पता नहीं आज कौन सा जरूरी काम चल रहा है, आजकल बिजी हैं बहुत। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, हम तो बोल ही सकते भाई, क्लास में होते तो हम कैसे भी करवा लेते थे। लॉस आपसे ही है, मेरा कुछ नहीं जाना उसमें। नहीं पढ़ाई करोगे तो खुद ही भुगतोगे उसका अंजाम। हो गई? हाँ हो गई। होमवर्क चाहिए तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, करते नहीं है वही मैं बोल रहा हूँ। होमवर्क तो मांगते कि दे दो सर, लेकिन सबमिट करने वाले वही 3-4 ही हैं, वही बोल रहा हूँ इन लोगों को। नहीं डेस्कटॉप में फोल्डर बना देंगे और वो उनको अपडेट कर लेना। हाँ ठीक है ठीक। क्वेश्चन मेरे पास अपार है, लेकिन आपको बता दो ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। हमको भी पढ़ाने में मजा तभी आएगा जब आप रिस्पॉन्स करोगे। और यदि आप चाह रहे हो कि केवल खाना पूर्ति करना है तो फिर कोई बात ही नहीं, करते रहो खाना पूर्ति। दिखावा मत करो, इससे आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। बच्चा ये सब इसकी हमको ऑनलाइन समझते ही नहीं है भाई, क्या नहीं समझ रहा हमको, फ्यूचर हम बार बार बताने के लिए तैयार हैं, पूछना भी नहीं है, ये सब बहाना हो गया ना। अरे वो समझ ही नहीं रहा, दिखावा अलग चीज है, एक्चुअल चीज यही है, यही एग्जाम में आती है, तो दिखावे पे मत जाइए। पढ़ना आपको ऐसे ही पड़ेगा, जब तक खुद नहीं पढ़ोगे दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हर चीज सिखा दे। खुद को कॉपी पे पेन रगड़ना ही पड़ेगा, बिल्कुल फैक्ट है, खासतौर पे मैथ सब्जेक्ट में। जितना पेन रगड़ोगे ना कॉपी पे, मेरा नाम बदल दीजिए यदि आपको मैथ नहीं आए।
देख लीजिए, अभी देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, वरना फिर मैं पर्सनली ग्रुप में नहीं डालूंगा, पर्सनली डाल दिया करूंगा। जो लोग सॉल्व कर रहे हैं उन्हीं को क्वेश्चन दे दिया करेंगे अपन आगे। रिस्पॉन्स आए तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। लास्ट क्वेश्चन है ये, पांचों क्वेश्चन आप ट्राई करिए। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन।